आज देश भर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी अपने को खोने के गम में मातम पसरा हुआ है। नफरती हिंसा का शिकार हुए जुनैद के गांव में ईद के दिन खुशी नहीं है। इंसान की इंसान से नफरत की आग ने हरियाणा के खंदावली गाँव में ईद के मौके पर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। ईद के मौके पर गांव वालों ने नमाज तो अदा की, लेकिन बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर जुनैद की मौत का इंसाफ भी मांगा। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद सभी लोग सदमे के माहौल में वापस घर लौट गए। लोगों का कहना है कि ईद की नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन उस वक्त इसके बाद की खुशी कोई मायने नहीं रह जाती जब एक बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी गई हो। नमाज के बाद हुई दुआ में इमाम ने जुनैद को शहीद का दर्जा दिया। उन्होंने जुनैद को जन्नत में अव्वल मुकाम देने की खुदा से दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाफिज जुनैद की मजहब की पहचान पर हत्या हुई है, इससे उसने खुदा की नजरों में शहीद का दर्जा हासिल किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को ट्रेन में जाति धर्म को लेकर छोटी सोच रखने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने जुनैद की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दरअसल 16 साल के जुनैद, उनके भाई हाशिम, शाकिर और पड़ोसी दोस्त मोहसिन दिल्ली से ईद की खरीदारी कर ट्रेन से वल्लभगढ़ अपने घर लौट रहे थे। जब वो ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन पूरी तरह खाली थी, तो उन्हें बैठने के लिए सीट भी मिल गई। आगे चलकर ओखला में 20 से 25 लोग ट्रेन में चढ़े थे। चढ़ने में धक्का मुक्की हुई, उसी में जुनैद को धक्का लगा तो वो नीचे गिर गया। इस पर जुनैद ने कहा कि धक्का क्यों मार रहे हो। उन्होंने उनके सर पर टोपी देखकर कहा कि तुम मुसलमान हो, देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, मांस खाते हो। उन लोगों ने जुनैद के सर से टोपी हटा दी और उनकी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने जुनैद से मारपीट शुरू कर दी और अपनी नफरत की आग में विशेष समुदाय के लोगों ने उनको इतना मारा कि वो बेसुध हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने चारों भाइयों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जुनैद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जुनैद की हत्या के बाद से ही लोगों में गुस्सा है। लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है, इससे खासतौर से युवा वर्ग गुस्से में है। ईद के मौके पर हर साल इस गांव में मेला लगता था, लेकिन इस साल ना मेला लगा, ना बच्चों के लिए झूला, बाजार भी नहीं सजे, क्योंकि इंसानों में फैल रही नफरत की आग ने इस गांव के अपने को इनसे छीन लिया। खुशियों की जगह इन्हें गम के आंसू दे दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भी लोग धर्म जाति के तराजू में मानवता को क्यों तोलते हैं? आखिर कब इंसान की इंसान से नफरत का अंत होगा? देखते रहिए डीबी लाइव।